रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म सिम्बा के प्रमोशन में बिजी हैं। उनकी अगली फिल्म गली बॉय का टीजर जल्द ही आने वाला है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म को जोया अख्तर डायरेक्ट करेंगी। ये फिल्म मुंबई में रहने वाले एक स्ट्रीट रैपर की कहानी है जो रियल लाइफ से इंस्पायर होगी। ये फिल्म फरवरी में रिलीज होगी। शाहरुख खान फिल्म जीरो से दर्शकों के दिलों पर राज करना चाहते थे, मगर इस फिल्म से जितनी उम्मीद की गई थी उस पर ये खरी नहीं उतर पाई। शाहरुख और अनुष्का की केमिस्ट्री फिल्म में भले ही लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन कमाई के मामले में ये फिल्म काफी पीछे चल रही है। फिल्म ने अब तक सिर्फ 50 करोड़ का ही बिजनेस किया है। सिम्बा के बाद रणवीर सिंह अपनी अगली फिल्म 83 की शूटिंग में बिजी होने वाले हैं। ये फिल्म इंडियन वर्ल्ड कप की कहानी बयां करने वाली है। फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव के रोल में नजर आएंगे। खबर है कि इस फिल्म में साउथ सेंसेशन अर्जुन रेड्डी स्टार विजय देवर गोंडा बॉलीवुड से डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म में वो कृष्ण श्रीकांत का रोल निभाने वाले हैं। सलमान खान और आमिर खान की फिल्म अंदाज अपना अपना दर्शकों की फेवरेट कॉमेडी फिल्मों में शुमार है। रणवीर सिंह ने ट्विटर पर खुलासा किया है कि अगर अंदाज अपना अपना का रीमेक बनता है तो वो उसमें आमिर खान का रोल प्ले करना चाहते हैं। बता दें कि फिल्म के रीमेक की चर्चा काफी सालों से हो रही है। सलमान खान अपनी फिल्म भारत को लेकर लगातार खबरों में बने हुए हैं। वहीं हाल ही में करीना कपूर ने खुलासा किया है कि पहले भारत उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन उनके बेटे तैमूर के जन्म की वजह से वो ट्रैवल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में किसी फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भारत की ही बात कर रही थी। अब इस फिल्म में कैटरीना कैफ नजर आएंगी। शादी के बाद दीपिका पादुकोण छपाक में नजर आएंगी। वो मेघना गुलजार के निर्देशन में काम करेंगी। उनके अपोजिट मिर्जापुर फेम विक्रांत मैसी हैं। ट्विटर पर दीपिका ने खुलासा किया है कि वो विक्रांत मैसी के साथ मेघना गुलजार के निर्देशन में फॉक्स स्टार स्टूडियो की फिल्म छपाक में नजर आएंगी। हाल ही में अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा खान फिल्म मेकर रितेश सिद्धसानी के घर रखी हुई क्रिसमस पार्टी में नजर आए। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को अर्जुन कपूर के चाचा और बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। साउथ सुपरस्टार की फिल्म केजीएफ का बॉक्स ऑफिस पर कहर जारी है। फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ते हुए 18 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। ये फिल्म शाहरुख खान की फिल्म जीरो को कड़ी टक्कर दे रही है। 3 दिनों में ही फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। ये फिल्म यूके में सबसे तेजी से कमाई करने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बन गई है। बिग बॉस के मंच पर रणवीर सिंह अपनी फिल्म सिम्बा का प्रमोशन करने पहुंचे थे, जहां होस्ट सलमान खान ने रणवीर सिंह की जमकर टांग खिंचाई करते हुए कहा कि शादी को 4 दिन हुए नहीं और वो दीपिका की हां में हां मिलाने लगे हैं। ये बात सुनकर रोहित शेट्टी और सारा अली खान जमकर हंस पड़े। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के देश के माहौल को लेकर दिए विवादित बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनेताओं के साथ ही अब बॉलीवुड स्टार्स की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। अनुपम खेर और सुनील शेट्टी ने नसीरुद्दीन शाह पर तंज कसते हुए कहा है कि वो और कितनी आज़ादी चाहते हैं।